बहरहाल जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का बयान आ गया है, मतभेदों को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। त्यागी कह रहे हैं, केसी त्यागी कह रहे हैं 2024 के लिए 450 सीटों पर सहमति बन गई है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हैं। सर, विपक्षी एकता का संदेश लगातार और आपकी पार्टी से ही शुरुआत हुई, नीतीश कुमार जी ने शुरू किया, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि आपसी मतभेद थे जब बैठे आप लोग और बिखरा हुआ है विपक्ष। मतभेदों को समाप्त करने के लिए हम बैठे थे। हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी डिफरेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी है। कुछ रीजनल आउटफिट हैं, कुछ नेशनल आउटफिट हैं, कुछ फ्री इकोनॉमी के हमदर्द हैं, कुछ सोशलिज्म के हैं। लिहाजा आपस के हमें अपने मतभेद खत्म करके जो सशक्त भाजपा है उसके विरुद्ध एक विकल्प बनाना है। पिछले कई वर्षों में जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज का, जांच एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं बचे हैं जिनको सीबीआई ने, आईबी ने, इनकम टैक्स ने या ईडी ने पूछताछ ना की हो। इसमें वो भी नेता शामिल हैं जो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा गवर्नर के पद को ऐसा बना दिया है कि बगैर मुख्यमंत्री की सलाह के वो मंत्री को बर्खास्त करने की स्थिति में चला गया, जो आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ। और जिस तरह का सांप्रदायिक ताना बाना बुना जा रहा देश के अंदर, तो ये ऐसे सवाल हैं जिस पर हमारी सहमति है और उसी सहमति को आगे बढ़ाने के लिए 2024 के लिए 15 पार्टियों के नेता इकट्ठे हुए और लगभग 450 सीटों पर हमारी सहमति बनी कि एक के खिलाफ एक उम्मीदवार होना चाहिए। बिखराव के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये 17 और 18 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें जो थोड़े बहुत अंतर भी हैं वो खत्म हो जाएंगे? बिखराव नहीं है। क्या एनसीपी की और शिवसेना शिंदे गुट की और भाजपा की क्या एक फिलॉसफी है? जो नेता अब गए हैं वो गांधी को, जवाहरलाल को मानते हैं, बीजेपी वाले गुरु गोलवलकर को मानते हैं, जो शिवसेना वाले हैं वो शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को मानते हैं, तो उनमें क्या सहमति है? तो इसको बिखराव नहीं कह सकते। हाँ, एक सवाल पर, एक रणनीति पर हम सब एक। तो बिहार की पॉलिटिक्स में हलचल तेज हो गई है। उधर बिहार में जेडीयू की टूट को लेकर कैसे वार पलटवार भी शुरू हो चुका है, आपको सुनाते हैं। देखिए, बिहार में यदि जनता नीतीश कुमार के खिलाफ हो गई तो स्वाभाविक है, यहाँ के विधायकों को, सांसदों को डर लगता होगा कि जीत कर कैसे आएंगे, तो स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसमें कहाँ दो मत। लेकिन हम लोग चाहते हैं बिहार में 2024 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी के गठबंधन को हरावे और तब बिहार की जनता के बीच में विधानसभा के चुनाव में जाए। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते हैं और वो फिर मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। इसका भी परिणाम यही होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव होगा, वो बुरी तरह हारेंगे लोकसभा के चुनाव। बिहार में जो ये लोग एक्सरसाइज किए, इसका रिएक्शन महाराष्ट्र में सामने आ गया। तो कहने का मतलब, आगे आने वाले दिन में मोदी के खिलाफ जो विपक्षी एकता है वो तार तार हो जाएगी। यहाँ भी होगा, कुछ दिन के अंदर आप देख लीजिए। बिहार का महागठबंधन, बिहार का जनता दल यू नीतीश कुमार के, तेजस्वी के नेतृत्व में संगठित है और एकमुश्त है, और कोई भी इस प्रकार का किया गया दुष्प्रयास वहाँ सफल, असफल नहीं होगा। जनता दल यू के साथ साथ देश भर की जितनी सामाजिक न्याय की शक्तियाँ हैं वो नीतीश कुमार की तरफ देखती हैं, इसलिए जनता दल में कोई टूट फूट होने का सवाल ही पैदा नहीं हो। तो बिहार की सियासत में भी लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहा है और संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में बीजेपी की हार तय है। ये कह रहे हैं रामगोपाल यादव। विपक्ष तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एनसीपी में टूट को लेकर भी उन्होंने कहा शरद पवार पहले से अब ज्यादा मजबूत हुए हैं। वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी फैमिली बेस्ड पार्टीज हैं उनको वो टारगेट पे है। देखिए, फैमिली बेस्ड पार्टी कहना ही गलत है। कोई फैमिली बेस्ड पार्टी नहीं होती है। पार्टी का जब जनाधार इतना हो, बड़ा हो,
बीजेपी के लगभग बराबर वोट मिला हो तो फैमिली बेस्ड कैसे कह सकते हैं? हमारा तो पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर में है, बीजेपी के जहां लोग हैं वहां भी है। तो ये सही है कि बीजेपी कोशिश कर रही है हर जगह विपक्ष को तोड़ने की। लोकतंत्री व्यवस्था में ये पूरी तरह से अनैतिक है। अगर आप विपक्ष को रहने नहीं देना चाहते, इसके माने आपकी मानसिकता तानाशाही वाली है। एक पार्टी के शासन का मतलब है अधिनायकवादी शासन, अथॉरिटेरियन स्टेट बनाना चाहते हो। अगर ये बनाना चाहते हो तो अलग मनसा है। डेमोक्रेसी में सही तरीके से लोग काम करें और जनता इसको जिसको चुनना चाहे उसको चुने। आप धन के बल पर, दबाव में धमकाकर, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके किसी को अपने साथ मिलाना चाहते हैं तो उसका मतदाता तो आ नहीं सकता है। महाराष्ट्र में अगर इन्होंने तोड़ दिया तो क्या समझते हैं कि चुनाव में लाभ हो जाएगा? अब शरद पवार जी पहले से ज़्यादा मजबूत होकर